धौलपुर से। धौलपुर स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के तत्वाधान में आज जिले के रीट अभ्यर्थियों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर रीट में पद बढ़ाने की मांग को लेकर जिला कलेक्टर की रीट में पद बढ़ाने को लेकर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि मुख्यमंत्री द्वारा दिसंबर 2019 में मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणा के बाद परीक्षा अगस्त 2020 में प्रस्तावित की गई थी, किंतु कोरोना महामारी के कारण भर्ती 2 वर्ष लंबित हो गई है और 26 सितंबर 2021 को रीट भर्ती परीक्षा 31,000 पदों पर आयोजित की गई थी, जिसके कारण शिक्षक बेरोजगारों की संख्या में काफी वृद्धि हो गई है और साथ ही साथ इन 3 वर्षों में तृतीय श्रेणी शिक्षकों की लगभग 30 से 35 हजार पर सेवानिवृत्ति पर पदोन्नति के कारण रिक्त हो गए। शाला दर्पण के मुताबिक तृतीय श्रेणी शिक्षकों के लगभग 55,000 पद खाली हैं और रीट परीक्षा में रिकॉर्ड तोड़ 26 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए। इनको देखते हुए 31,000 पद बहुत कम हैं, इसलिए मुख्यमंत्री एवं शिक्षा मंत्री रीट के पदों को बढ़ाकर 50,000 करें। सरकार की हट धर्मिता के कारण आज शिक्षित युवा सड़कों पर है। सरकार को रीट अभ्यर्थियों की मांगों को जल्द ही मानकर रीट में पदों की संख्या बढ़ाकर 50,000 कर देनी चाहिए। सरकार को युवा बेरोजगारों की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। जिला कलेक्ट्रेट धौलपुर में उपस्थित हुए कि 31 रीट के पद बढ़ा करके 31,000 से 50,000 किए जाए, इसलिए मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह करते हैं। आज हमने कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया है, उनसे आग्रह है कि 31,000 से बढ़ाकर रीट के पद 50,000 किए जाए, नहीं तो 2023 में हम भी उनको, वो हमारे साथ कर रहे हैं जो रीट के पद नहीं बढ़ाए, तो हम भी 2023 में उनको, उनकी सत्ता को नीचे ला